नमस्कार, मैं रोमाना एसआर खान आपसे बात करने के लिए आई हूँ हैदराबाद नगर निगम चुनाव के बारे में। देखिए, हैदराबाद नगर निगम चुनाव के जो नतीजे हैं वो आने शुरू हो रहे हैं और गिनती अभी शुरू हुई है, नतीजे अभी नहीं आए लेकिन शुरुआती रुझान आ रहे हैं। और जो शुरुआती रुझान है वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी को बड़ी बढ़त, बीजेपी की बल्ले बल्ले हैदराबाद नगर निगम चुनाव में होती हुई नजर आ रही है। इसीलिए जो हेडर है, जो टाइटल है अपनी इस बातचीत का, वो मैंने यही डाला कि भाई हैदराबाद की बिरयानी क्या बीजेपी के भाग्य में आएगी। अच्छा, आप ये समझिए कि ये 150 सीटें हैं नगर निगम की जिस पर चुनाव हो रहा है, और इन 150 में बीजेपी फिलहाल 85 के आसपास सीटें हैं जिस पर बीजेपी ने इस वक्त बढ़त बना रखी है और बड़ी लीड है बीजेपी की, क्योंकि दूसरे नंबर पर बीजेपी से बहुत पिछड़ी हुई टीआरएस है। टीआरएस जो है वो करीब 34 से 37 सीटों पर आगे पीछे हो रही है, इस तरीके के रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं। और तीसरे नंबर पर ओवैसी की पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, और तीसरे नंबर पर AIMIM अपने गढ़ में, मतलब हैदराबाद तो ओवैसी का गढ़ है ना। भले ही बिहार के अंदर ओवैसी ने बड़े झंडे गाड़ लिए हों, जिस तरीके से जीत मिली उनको विधानसभा चुनाव में, ओवैसी की पार्टी ने बिहार में सीटें जीती 5, ठीक है, लेकिन हैदराबाद में ओवैसी की पार्टी को झटका लग रहा है। और यहाँ पर ओवैसी की पार्टी फिलहाल शुरुआती रुझानों में तीसरे नंबर पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ जो लाइव जुड़ रहे हैं, शिवम वर्मा लिख रहे हैं हेलो रोमाना जी, हेलो सुमित व्यास, हाय कह रहे हैं, हाय सुमित व्यास पूछ रहे हैं हाउ आर यू, आई एम गुड सुमित व्यास जी, थैंक यू सो मच। ईवीएम का कमाल एडवोकेट मोहम्मद अनवर अली लिख रहे हैं, मोहम्मद अनवर अली साहब अभी से तो ईवीएम का कमाल मत कहिए ना, अभी तो वैसे भी जो बैलेट पेपर है, पोस्टल बैलेट शुरुआती रुझानों में तो उसकी गिनती हो रही है और बैलेट पे ये पूरा चुनाव हुआ है और उसके अंदर बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। तो यहां तो विपक्ष के पास ईवीएम के पीछे छिपने का भी कोई रास्ता नहीं है क्योंकि बैलेट है और बैलेट की गिनती हो रही है। शफी खान कह रहे हैं गुड मॉर्निंग मैडम जी, गुड मॉर्निंग शफी खान साहब, कैसे हैं आप। जहांगीर रहमानी लिख रहे हैं तुम बहुत खुश हो रही हो। जहांगीर रहमानी साहब, आपसे बात करने का मौका मिल रहा है मुझे, मैं लाइव कर रही हूँ तो सैड फेस के साथ आप चाहते हैं मैं लाइव करूँ, मुझे तो अच्छा लगता है अच्छे से खुशी खुशी बात करना आप लोगों से। और खबर बता रही हूँ आपको, कोई ऐसी गंभीर या दर्दनाक हादसे वाली खबर तो नहीं है जिससे मुझे इफेक्ट हो, एक नॉर्मल न्यूज़ है और आपको ये खबर जाननी चाहिए, इसलिए मैं सुबह सुबह आपसे बात करने आई हूँ। सचिन शर्मा कह रहे हैं बीजेपी आने वाली है। सचिन शर्मा जी, अभी जो शुरुआती रुझान है वो तो यही बता रहे हैं कि बीजेपी आने वाली है, वो तो यही बता रहे हैं कि 2023 जब तेलंगाना का विधानसभा चुनाव होगा तो वहां के लिए एक तरीके से बीजेपी ने अपनी जमीन मजबूत कर ली है। क्योंकि अगर यही 150 सीटें जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आती हैं जहां पर चुनाव हो रहा है, पिछली बार के चुनाव नतीजों में सिर्फ 4 सीटें बीजेपी जीत पाई थी, है ना। पिछली बार इन 150 में से 99 सीटें टीआरएस के खाते में गई थी। पिछली बार इन 150 में से ओवैसी की पार्टी को 44 सीटें मिली थी। आप सोचिए कहां पिछली बार बीजेपी 4 सीटें जीत पाई थी और कहां इस बार। भले ही ये शुरुआती रुझान है, भले ही अभी नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन बीजेपी देखिए सबसे बड़ी पार्टी, बहुमत को पार कर चुकी है रुझानों में, 85 का आंकड़ा छू रही है, तो बड़ा अचीवमेंट है ये बीजेपी के लिए। यहां से आपको बीजेपी की रणनीति भी समझनी होगी कि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो एक इलेक्शन में जब भी उतरती है तो विनिंग मशीन की तरीके से पूरी की पूरी ताकत झोंक देती है, और वो देखने के लिए मिला हमें नगर निगम चुनाव में। कहां तो हम देखते हैं कि बड़ी बड़े राजनीतिक दल जो है, विधानसभा चुनाव तो छोड़ दीजिए आप, जो लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव होता है वहां पर भी बड़े नेताओं को हम नहीं देखते हैं प्रचार करते हुए। लेकिन इसके बिल्कुल उलट एक बीजेपी है जिसने नगर निगम चुनाव में भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। देखिए किस तरीके से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सब पहुंचे वहां पर चुनाव प्रचार के लिए, पूरी ताकत बीजेपी ने लगा दी। और वो कहावत है ना, हमारे यहाँ जो हिंदी भाषी प्रदेश है वहां पर एक कहावत बहुत चलती है कि भाई जितना गुड़ डालो उतना मीठा होए, है ना, कि भाई आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही आपको फल मिलता है। तो वही हाल बीजेपी के लिए हो रहा है। बीजेपी ने जितनी मेहनत की इन हैदराबाद चुनाव में, अब ऐसा लग रहा है शुरुआती रुझानों में कि बीजेपी को उसका फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। केसरिया लहराया हैदराबाद, ये सुनील साहब लिख रहे हैं, सुनील माली का ये कमेंट आया। आमिर खान लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम आमिर खान साहब, कैसे हैं आप। जावेद खान टॉप फैन है मेरे पेज के, लिख रहे हैं गॉर्जियस फैम गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जावेद खान साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सोनू पुरोहित हाय लिख रहे हैं, हाय सोनू पुरोहित कैसे हैं आप। अच्छा, ये तो होना ही था, केसीआर और ओवैसी को एक साथ आना चाहिए था, मोहम्मद आजम ये कह रहे हैं। मोहम्मद आजम साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना कि भाई ये तो होना ही था, केसीआर और ओवैसी को साथ आ जाना चाहिए था, तो आपको पता है बीजेपी क्या कह रही है। बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल केसीआर और ओवैसी साथ थे
अंदर खाने इनकी मिली भगत थी और यही जो साथ था इनका, अंदर खाने की जो इनकी सेटिंग थी वो बेनकाब हो गई लोगों के बीच, और इसी वजह से ये हाल है कि बीजेपी को फायदा मिल रहा है, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। आज सुबह 10 बजे मैं एबीपी न्यूज पर जब एंकरिंग कर रही थी तो हम यही हैदराबाद नगर निगम चुनाव पर चर्चा कर रहे थे और मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा थे, तो उनकी तरफ से ये कहा गया, मतलब मैं उन्हीं को कोट कर रही हूँ कि साहब ये बंद कमरे में ये जो इनका इलू था ना ओवैसी और टीआरएस का, है ना, वो बंद कमरे वाला इलू जनता के सामने बेनकाब हो गया और इसी का ये नतीजा कि देखिए किस हाल में ये लोग पहुंच गए। लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, मैडम आप बहुत अच्छी एंकर हो, यामीन मंसूरी लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया यामीन मंसूरी साहब, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा लक्ष्मी कुमार मेरे पेज के टॉप फैन, इनकी बात तो मैं आपको बताऊंगी भाई, टॉप फैन है मेरे पेज के, ये कह रहे हैं एबीपी न्यूज एंकर नंबर वन रोमाना दीदी, थैंक यू सो मच लक्ष्मी कुमार, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल सो मच। तो फिलहाल जो आंकड़ा आ रहा है, देखिए मैं आपको एग्जैक्ट अपडेट दे देती हूँ, बीजेपी 85 पर इस वक्त रुझानों में आगे चल रही है, कुल 150 सीटें हैं, टीआरएस 37 पर आ गए है, एआईएमआईएम 17 पर आ गए, अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। ये शुरुआती रुझान है, मैं शुरुआती रुझान बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 150 सीटें हैं, यहाँ बहुमत का आंकड़ा 76 का है, हम सब जानते हैं बहुमत का आंकड़ा शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने पार कर लिया है, सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हुई थी, पोस्टल बैलेट है तो ऐसे में वक्त लगेगा, शुरुआती रुझान, लेकिन शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बड़ी बढ़त, बीजेपी ने जिस तरीके की ताकत झोंकी इन चुनाव के अंदर उसका नतीजा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और महत्वपूर्ण ये नगर निगम चुनाव इसलिए हैं क्योंकि 5 लोकसभा सीटें जो हैं वो इसी नगर निगम के दायरे में आती हैं, और सिर्फ 5 लोकसभा सीटें नहीं बल्कि 4 जिलों की 24 विधानसभाएं भी, तेलंगाना जहां चुनाव होना है 2023 में विधानसभा का, वहां 4 जिलों की 24 विधानसभाएं भी इसी नगर निगम के दायरे के अंदर आती हैं। तो ऐसे में दक्षिण में ये बीजेपी के लिए एक बड़ा बूस्ट है क्योंकि कर्नाटक जहां अभी तक दक्षिण भारत में कमल खिला है, अब इन नगर निगम चुनाव के इन शुरुआती रुझानों से ऐसा लग रहा है कि दक्षिण भारत का दूसरा राज्य तेलंगाना बन सकता है, यहां बीजेपी को उम्मीद बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2023 में विधानसभा चुनाव तेलंगाना में होने हैं, नगर निगम चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने ये बढ़त बनाई है उससे ऐसा लग रहा है कि 2023 में तेलंगाना के अंदर बीजेपी एक बड़े फोर्स के तौर पर उभर सकती है। कांग्रेस का तो देखिए नामोनिशान मिटता हुआ नजर आ रहा है, हैदराबाद नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी कहीं है नहीं गिनती में और बीजेपी नंबर वन की पार्टी इस वक्त इन चुनाव में बनती हुई नजर आ रही है। इसका फायदा जो है वो हैदराबाद तेलंगाना 2023 विधानसभा चुनाव में तो मिलेगा, लेकिन इस जीत से हौसला जो बुलंद होगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, उसका सीधा फायदा आने वाले समय में, अभी 3-4 महीने के बाद जो बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव होना है उसमें भी बीजेपी को यकीनन मिलेगा। आप देख रहे हैं किस तरीके का मोमेंटम है ये जो बीजेपी को मिल रहा है, और ये जो पुश मिलेगा इससे कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ेगा क्योंकि अभी पिछले दिनों जो बिहार का चुनाव हुआ है, बिहार में बीजेपी को जिस तरीके की जीत मिली, अब ये हैदराबाद नगर निगम चुनाव, यहाँ पर बीजेपी को जिस तरीके की बढ़त मिल रही है क्योंकि बीजेपी के पास खोने के लिए इन चुनाव में कुछ नहीं, पिछली बार 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी, अब उससे जितनी गुना ज़्यादा बीजेपी बढ़त हासिल कर सके, देखिए 85 सीट पर लीड जरूर नजर आ रही है लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि ये तो शुरुआती लीड है, ऐसे में नंबर्स जब सेटल डाउन करेंगे तो जाहिर सी बात है बीजेपी का आंकड़ा हो सकता है कि कुछ नीचे आए, लेकिन जितना भी फायदा बीजेपी को होगा उससे बीजेपी की तो बल्ले बल्ले, और इसके बाद इस बढ़े हुए मनोबल के साथ बीजेपी जाएगी बंगाल चुनाव में जहां उसे बड़ा फायदा हो सकता है। कलीम कुरैशी हाय मैम लिख रहे हैं, इम्तियाज आलम भी हेलो कह रहे हैं, गुड डे मैम, गिरिराज सरन कह रहे हैं, गुड डे गिरिराज सरन साहब, आपने बहुत खूबसूरत गुलाब का फूल भेजा मेरे लिए। सोनू पुरोहित कह रहे हैं आप मेरी फेवरेट एंकर हो, थैंक यू सो मच। रवि जी कह रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम, वॉचिंग यू फ्रॉम कुवैत, मुझे कुवैत से कौन देख रहा है, निकल गया नाम, निकल गया, आई एम सो सॉरी। 85 सीटों पर बीजेपी आगे, सचिन शर्मा कह रहे हैं, हाँ मैं यही बता रही हूँ सचिन जी कि 85 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे है, रुझान है ये, लेकिन रुझानों में बड़ी बढ़त बीजेपी को, बहुमत का आंकड़ा 76 का है और बीजेपी 85 पर आ गए, बड़ी बढ़त बीजेपी ने यहां पर बना रखी है। जैनुल अंसारी हैं जो कह रहे हैं वॉचिंग यू फ्रॉम कुवैत, बहुत शुक्रिया जैनुल अंसारी साहब, आप कुवैत में बैठे हुए हैं और अपने देश की खबरों में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम, देश के सबसे बड़े नगर निगमों में इसकी गिनती होती है, आपको इस बात को भी समझना चाहिए। और हैदराबाद जीत बीजेपी के लिए अहम क्यों है मुझे लगता है ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक के बाद बीजेपी के लिए दक्षिण में एक तो ये दूसरा दरवाजा खुलने जा रहा है, और साथ ही नगर निगम में जीत से तेलंगाना विधानसभा का रास्ता बीजेपी बनाती हुई नजर आ रही है अपने लिए। हैदराबाद की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की उम्मीद जग रही है क्योंकि 5 लोकसभा सीटें जो है वो इसी हैदराबाद नगर निगम में आती है।
और साथ ही जो ग्रेटर हैदराबाद का इलाका है, चार जिलों की 24 विधानसभा सीटें भी, उस पर भी यहाँ पर दबदबा है, वो भी इसी के अंदर आती हैं, तो वहाँ पर बीजेपी का दबदबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और हैदराबाद की जीत से बंगाल के लिए आगे बीजेपी का हौसला बढ़ेगा, तो ये अहमियत बीजेपी के लिए इन विधानसभा चुनाव की। फिलहाल लूजर एंड पर यहाँ पर अगर कोई नजर आ रहा है तो वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार इन हैदराबाद चुनाव प्रचार में बीजेपी के निशाने पर असदुद्दीन ओवैसी थे। आप जानते हैं कैसे असदुद्दीन ओवैसी के जरिए बीजेपी ने इन निगम चुनाव में पाकिस्तान, जिन्ना, रोहिंग्या तमाम एंट्रीज करा ली थी, और मामला किस तरीके से, वो कहते हैं ना, समाज की जो फॉल्ट लाइन्स है उसे जो राजनीतिक जाल जितने बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करे, अब या तो आप एक्सप्लोर कह सकते हैं या आप एक्सप्लॉइट कह सकते हैं, वो काबिलियत मानी जाती है खासतौर से चुनावी राजनीति में जीत के लिए। तो वो फॉल्ट लाइन्स बीजेपी ने बेहतर तरीके से, एक्सपर्ट से कहते हैं कि एक्सप्लोर किया यहाँ पर, और साथ ही साथ फॉल्ट लाइन सिर्फ समाज में ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके के दावे किए गए बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि अगर जीतेंगे तो फिर हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता, ये सवाल अगर पूछा गया योगी आदित्यनाथ से तो उन्होंने साफ तौर पर कहा बिल्कुल हो सकता है, भाग्यनगर हैदराबाद का नाम क्यों नहीं हो सकता। तो एक तो ये समाज की फॉल्ट लाइंस जो बीजेपी की तरफ से एक्सप्लोर की गई, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस बीजेपी ने एक्सप्लोर की तेलंगाना में, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और वो पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस जिस तरीके से एक्सप्लोर की, उसका नतीजा ये कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ, बीजेपी जनता को ये समझाने में कामयाब रही है। जो बात बीजेपी के प्रवक्ता आज सुबह चर्चा के दौरान मुझसे कह रहे थे कि साहब कमरे के भीतर एक दूसरे से इलू इलू करते हैं ओवैसी और टीआरएस, तो ये तमाम बातें, ये पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस भी एक्सप्लोर करने में काफ़ी हद तक बीजेपी कामयाब। और नतीजा ये कि बीजेपी हैदराबाद नगर निगम चुनाव में शुरुआती रुझानों में बड़ी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। तो हैदराबाद की बिरयानी बीजेपी के भाग्य में अभी तो सवाल बरकरार है, पर शुरुआती रुझान तो कह रहे हैं हाँ साहब बिल्कुल हैदराबाद की बिरयानी इस बार बीजेपी का जायका, बीजेपी का स्वाद जो है वो बढ़ाने वाली है। चलिए फिर किसी और टॉपिक के साथ आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी, फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे पेज को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ये वीडियो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा आगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।